प्राचीर में एक रात बिताने के बाद हम लोग सुबह 5 बजे उठ के चले जाते हैं ब्रह्मकुंड नहाने। ये है ब्रह्मकुंड और इसका पानी बहुत ही गर्म रहता है। कहा जाता है कि इसके पानी से नहाने के बाद आपका सारा रोग दुख सब कुछ समाप्त हो जाता है ना मज़ेदार। और यहाँ पानी आता कहाँ से किसी को नहीं पता। ये है शांति स्तूप। रत्नागिरी पहाड़ पर गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर इसे बनवाया गया था। ये अपने आप में एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है और यहाँ से जो वादियाँ दिखती है वो अपने आप में आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है। ये है घोड़ा कटोरा झील। ये विश्व शांति पगोड़े के पास स्थित है जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी है। झील बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद हम चल जाते हैं अपने जर्नी की अगले पड़ाव पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।